भारतीय टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। चोट से उभरने के बाद से ही हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं दिखे हैं। पहले दुबई में खेले गए आईपीएल के सीजन में खराब परफॉर्मेंस, उसके बाद टी20 विश्व कप में भी कुछ खास न कर पाने के कारण हार्दिक पांड्या को हाल ही में हुए न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर कर दिया गया था। आगामी दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भी पांड्या के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा पांड्या ने खुद अपनी तरफ से नाम वापस लेकर कहा था। पांड्या को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इसके साथ ही वह क्रिकेट के एक फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं। क्या है पूरी खबर, हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे पूरी जानकारी। टी20 विश्व कप और आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस के बाद हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हाल ही में हुए न्यूजीलैंड के साथ टी20 सीरीज और टेस्ट सीरीज में पांड्या के नाम पर विचार नहीं किया गया, ऐसे में खुद बुरी फॉर्म से जूझ रहे पांड्या भी मैदान पर वापसी के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पहले पांड्या ने खुद दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए चयनकर्ताओं से अपने नाम पर विचार न करने की बात कही थी। अब पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी से भी अपना नाम वापस ले लिया है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक पांड्या ने उन्हें ईमेल पर एक लाइन में जवाब दिया और कह दिया कि वो मुंबई में रिहैब कर रहे हैं। चोट से उभरने के बाद से ही पांड्या लगातार अपनी फॉर्म से भी जूझ रहे हैं और अपनी हेल्थ को लेकर भी। दुबई में खेले गए आईपीएल में तो पांड्या ने बॉलिंग ही नहीं की थी, हालांकि टी20 विश्व कप में उन्होंने बॉलिंग जरूर की लेकिन बहुत ही कम ओवर के लिए, वो भी अंतिम के मैचों में। इन सबके बीच हार्दिक पांड्या भी अपने करियर को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पांड्या अपने टेस्ट करियर को अलविदा कहना चाहते हैं। पांड्या अपने लंबे क्रिकेटिंग करियर को बनाए रखने के लिए टी20 और वनडे मैचों पर ही सिर्फ फोकस करना चाहते हैं। खुद को फिट करने के लिए पांड्या अभी मुंबई के रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौजूद है। हालांकि मैदान पर आने से पहले राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCA में वहां अपनी फिटनेस को साबित करना होगा, इसके बाद ही राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। वहीं हार्दिक पांड्या के टेस्ट करियर को अलविदा के बाद वेंकटेश अय्यर को भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वेंकटेश को अभी हाल ही में हुई न्यूजीलैंड के साथ टी20 सीरीज में भी खेलने का मौका दिया गया था, जहां पर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की थी। हार्दिक की अगर हम टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने बल्लेबाजी में 11 मैच खेलकर 532 रन बनाए हैं, वहीं जिसमें एक शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। वहीं पांड्या का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट 108 रन का स्कोर है। टेस्ट में अगर गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 11 मैच में 17 विकेट लिए हैं और एक बार 5 विकेट हासिल किए। हार्दिक पांड्या के मौजूदा फॉर्म और उनकी फिटनेस को देखते हुए क्या उनका ये फैसला सही है, पांड्या का टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर टी20 और वनडे पर फोकस करने का फैसला आपको कैसा लगा? साथ ही हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में टेस्ट टीम में किसे भविष्य में शामिल किया जाना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इन इंडिया को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें।